हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग भाग बनाना सीखेंगे काफ़ी इजी वे में और काफ़ी आसानी से। आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को भाग बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोगों को जिस संख्या से भाग देना है उसका आप लोगों को पारा याद होना चाहिए। हमने पहले से यहाँ पारा लिख रखा है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले 12 की पारा में हमें 34 खोजना है, और 34 अगर ना मिले तो इससे छोटा खोजना है। तो 12 कम 12, 12 दूना 24, बढ़ती है 36, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। 34 के बाद 36 आता है, यानी इससे छोटा वाला लेंगे। तो दो बार में हमें 24 लेना है, दो बार में क्या लेंगे, 24। तो 12 दूनी 24 यहाँ पे लिख देंगे। बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का चिन्ह देंगे और 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, हमेशा इधर से घटाना। और 3 में से 2 गया हमारा, कितना, 1 बचा। ऊपर से उतारेंगे हम 5 को। अब 12 के टेबल में खोजेंगे पारा में 105। तो 12 के पारा में आप देख सकते हैं कभी भी 105 नहीं है, 105 से बड़ा यहाँ पे 108 दिख रहा है। तो हम लोग छोटा वाला लेंगे, इससे छोटा वाला, तो इससे छोटा 96 है। कितने बार में आता है, तो बच्चों 8 बार में 12 8 96 आता है, कितने बार में, 8 बार में। तो हम लोग 8 यहाँ लिखेंगे और 96 को यहाँ लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 6 नहीं घटता है। तो बच्चों ये 10 है, 10 में से हम लोग इसमें हासिल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 6 को घटा लेंगे तो 9 बचेगा, 15 में से 6 गया 9। तो बच्चों यहाँ 15, जब इस 10 में से एक इधर हासिल आया तो ये 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यानी कि इसको हम लोग कटा सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। तो 9 ऊपर से हमारा यहाँ 5 उतरा था, अब यहाँ पे हम लोग 6 उतारेंगे, कितना उतारेंगे, 6। अब 12 के टेबल में 96 खोजेंगे, तो 12 के टेबल में 96 आपको यहाँ मिलेगा, कितने बार में, तो 8 बार में, कितने बार में, 8 बार में 96। तो यहाँ हम लोग 96 लिखेंगे और माइनस कर देंगे और एक कट जाएगा। इसी प्रकार आइए हम लोग देखेंगे यहाँ 13 का। तो 13 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 13 के टेबल में बच्चों हम लोग खोजेंगे यहाँ पे कितना, 45। तो 13 के टेबल में कहीं भी 45 नहीं मिलता है, 52 है, यानी बड़ा हो जाएगा, तो इससे छोटा वाला लेंगे। 3 3 39, कितने बार में, तो बच्चों यहाँ 3 बार में 39, 3 बार में कितना आया, 39। अब इसको घटा लेंगे तो देखिए ये 5 है, 5 में से 9 नहीं घटता है, तो ये 4 वाला एक हारसिल इसको दे देगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये 4 जो है ये एक इसको हासिल देगा, तो 4 जो है 3 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा और ये 3 बचा है, 3 3 कट जाएगा। अब ऊपर से उतारेंगे हम लोग 6। तो 13 के टेबल में पारा में हमें 66 खोजना है, तो 66 नहीं मिलता है, 66 से बड़ा 78 हो जाएगा, लेकिन 66 से छोटा यहाँ पे 65 है, कितना है, 65। तो 13 5 65, कितने बार में आता है, 5 बार में 65 आता है। तो 65 हम लोग लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 5 किया 1 हो जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। ऊपर से यहाँ 6 उतरा था, अब की बार 7 उतरेगा, कितना उतरेगा यहाँ पे, 7। तो 13 के टेबल में 17 से छोटा हमारा 13 है, 26 बड़ा हो जाएगा, तो 1 बार में 13, 1 बार में कितना होगा, 13। जब इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया 4 और ये हमारा 1 1 कट जाएगा। अब ऊपर से उतारेंगे, यहाँ 7 उतरा था, अब की बार 2 उतारेंगे, कितना उतारेंगे, 2। तो 2, अब 42 खोजेंगे 13 के टेबल में, तो 42 नहीं है, 52 है, 52 बड़ा हो जाएगा, तो हमें छोटा लिखना है या इतना
खोजना है तो उतना नहीं होता है 13 के पहरा में, तो उससे छोटा 39 है कितने बार में, 3 बार में। 3 बार में कितना है हमारा 39। तो बच्चों ये 42 है और ये 39 है, इसको घटाने के बाद 3 आएगा। आप यहाँ देखिए ये 2 है, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो ये 4 वाला एक हारसिल दे देगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 हो गया 3, ये 4 वाला एक दे दिया था तो अभी 3 हो गया है, तो 3 और 3 हमारा कट जाएगा। अब यहाँ 2 उतरा था, अब इसके बाद 9 उतरेगा, तो 13 के टेबल में अब खोजेंगे 39। तो 13 के टेबल में 13 एकम 13, 13 दूना 26, 33 39, 3 बार में 39 आता है, कितने बार में, 3 बार में 39। तो 3 वहाँ लिखेंगे और 39 यहाँ लिखेंगे, और ये जब घटेगा तो दोनों क्या कट जाएगा, 9 में से 9 हो गया 0 कट गया, 3 में से 3 गया 0। तो बच्चों इस प्रकार हम कोई भी भाग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।